वेलकम ऑल स्टूडेंट इन आवर यूट्यूब चैनल. एज वी नो दैट इन द GNM द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन GNM फर्स्ट ईयर. And as we know that in the community health nursing one, including subject of community health nursing one self, then environmental hygiene, health education and communication skill, and other important subject is nutrition. So here we will discuss regarding the nutrition, and nutrition is so important subject in the community, and we know that we all are interested in the nutrition because nutrition is too easy subject to remember it. तो आज के ये जो लेक्चर है ये एपिसोड है. इस एपिसोड में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट वन जो GNM फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें न्यूट्रिशन जैसा सब्जेक्ट आता है, इसमें हम न्यूट्रिशन की वो डिस्कशन करेंगे. लेट अस सी द यूनिट वन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड इट इज द इंट्रोडक्शन of nutrition. Introductory chapter is very important because as you know in the syllabus and as you know in the examination pattern, hum examination pattern ki baat karte hain, syllabus ki baat karte hain, to sab examination paper mein hame ye janne ke liye milega ki isme define the word, give the definition, give the illustrate or meaning of this word. ऐसा शब्द बार बार पूछा जाता है जिसमें food, nutrition, nutrient, micronutrient, macronutrient, dietetics जैसे शब्द ये बार बार पूछे जाते हैं. It is two important words for frequently asked in the GNC examination in the GNM first year nutrition. Let us see some meaning of this word, and the first word is food. As we know that the food is one of the basic necessity of the life. Khorak ये हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है. इट इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ एंड ऑल वी आर नोइंग दैट द फूड इज प्रोवाइड एनर्जी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल एक्टिविटी. तो जैसे हमने बताया कि एग्जामिनेशन में जो हमें डेफिनेशन उसकी लिखनी है तो कैसे लिखी जाए, तो ये डेफिनेशन हमने शॉर्ट में ऐसे लिखी है. द सब्सटेंस विच आर प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ लाइक एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी नॉन एज ए फूड. जिस सब्सटेंस जो पदार्थ हमें एनर्जी देता है हमारी हर एक्टिविटी में वो उसका सहयोग होता है, इसी को हम फूड से जाने जाते हैं. And the food have the vital role in our life. Then we have to point out that regarding food, जैसे हम जानते हैं कि जो दो मार्क्स में फूड पूछे जाती है डेफिनेशन के रूप में, फूड की जो ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो इतना काफी नहीं है, तो ये भी हमें टिक टिक करके लिखना है, पॉइंट आउट करके लिखना है.
इट्स कीप बॉडी हेल्दी, इट इज ट्रू, ये बॉडी को हेल्दी रखता है. इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, वो बॉडी को एनर्जी यानी शक्ति वो प्रोवाइड करता है. इट्स सपोर्ट ऑल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ, यानी कि फूड हमारी डेली जो लाइफ की एक्टिविटी है सब में अच्छी तरह से सपोर्ट करता है. इट इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारा वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इसी में फूड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. तो इट इज ऑल्सो यूज इन ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक फंक्शन में फूड की आवश्यकता होती है. बिना फूड बिना एनर्जी हम बॉडी फंक्शन नहीं कर सकते. तो सो वी हैव मस्ट हैव टू राइट दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी. इट हेल्प्स टू फाइट अगेन डिजीज. लास्ट में ये हमें ही पता है कि फूड में से जो कंपोनेंट मिलते हैं प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी पावर देता है. तो देन वी मस्ट हैव टू राइट दैट इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज ऑल्सो. तो ये हमारी फूड की डेफिनेशन हुई. आप इस तरह फूड की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच आर प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी, इट इज नॉन एज ए फूड. मीन फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ टू प्रोवाइड एनर्जी एंड फॉर अवर हेल्दी लाइफ. देन अवर नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है न्यूट्रिशन. तो एज वी नो दैट न्यूट्रिशन इज अ होल सब्जेक्ट एंड इफ वी डिफाइन द न्यूट्रिशन देन वी हैव मस्ट हैव टू राइट दैट द न्यूट्रिशन इज अ साइंस फॉर स्टडी ऑफ द फूड सब्सटेंस. न्यूट्रिशन एक साइंस है जो सब फूड सब्सटेंस है उसकी स्टडी करता है, सब न्यूट्रिएंट है उसकी स्टडी इसमें आती है. जैसे सोशियोलॉजी होता है तो सोशियो मीन्स समाज, लॉजी मीन्स स्टडी. तो जो समाज की कम्युनिटी की स्टडी की जाती है उसको सोशियोलॉजी कहता है. ऐसे ही न्यूट्रिशन मीन्स साइंस ऑफ फूड सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट. इट इज आल्सो द स्टडी ऑफ फूड इनटेक, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन. तो ये इसमें न्यूट्रिशन में हम वो भी सीख सकते हैं कि कैसा डाइट लेना चाहिए, कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे न्यूट्रिशन वो बॉडी में एब्सॉर्ब होता है और कैसे वो बाहर निकल जाता है. तो वो भी हमें ये सीखना है. किन में सीखना है? तो ये न्यूट्रिशन में सीखना है. तब जाके न्यूट्रिशन की जो ये डेफिनेशन है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज अ साइंस फॉर स्टडी ऑफ फूड सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट एंड इट इज आल्सो स्टडी ऑफ फूड इनटेक, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन. एंड वी आर क्लेवर स्टूडेंट, वी नो दैट इट इज नॉट इनफ फॉर 2 मार्क्स, देन वी मस्ट हैव टू राइट दैट इट इज स्टडी ऑफ द फूड सब्सटेंस, देन इट इज स्टडी ऑफ फूड विथ ए रिलेशनशिप विथ हेल्थ, कैसे हेल्थ को अच्छी तरह से रखी जाती है, कौन कौन से फूड लेने लिए जाते हैं तब हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, वो भी स्टडी इसमें आती है. इट इज स्टडी ऑफ फूड विथ इलनेस. तो कौन से जो फूड स्टफ है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें इलनेस आती है तो वो भी इसमें है. तो ये सारे की सारी स्टडी करते हैं तब जाके न्यूट्रिशन बनता है. तो ये थी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, कई बार पूछी जा चुकी है. तो ये न्यूट्रिशन की मैं ये थोड़ा इल्यूस्ट्रेट इसलिए करता हूँ कि मैं जब बोलता हूँ तो इसमें से आप यदि 60% 70% भी रिमेम्बर याद कर सकते हैं
तो आप लिख सकते हैं. एंड थर्ड वन इज न्यूट्रिएंट. एज वी नो दैट न्यूट्रिशन इज इंक्लूडेड, फूड इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट मीन द स्मॉल पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन फूड. न्यूट्रिएंट आर कंपोनेंट ऑफ फूड टू नेसेसरी फॉर सर्वाइव एंड ग्रो, जिसको हम अपनी बॉडी में अपनी सर्वाइव करने में और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो न्यूट्रिएंट जो इसका कंपोनेंट है न्यूट्रिशन का फूड का, तो उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं. जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट है. वैसे तो न्यूट्रिएंट्स के दो पार्ट मेन पार्ट है. वन इज द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड अदर इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. एज वी नो दैट द फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इंक्लूडिंग ऑल एमिनो एसिड, विटामिन्स आर नोन एज ए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. एंड अदर न्यूट्रिएंट लाइक केमिकल कंपाउंड, जिसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, बोला जाता है, जिसमें मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन कैन ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर एज ए न्यूट्रिएंट. सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट देर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, मेन टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. वन इज द ऑर्गेनिक एंड अदर इज द इनऑर्गेनिक. एज वी सिंपली स्पेसिफाई और सिंपली डिवाइडेड इन द न्यूट्रिएंट, सो देर आर टू टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट. वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड अदर इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट. तो आगे जाके हम इसकी भी डिफाइन करेंगे, ये वर्ड को भी डिफाइन करेंगे. माइक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोला जाता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोला जाता है. आगे हम न्यूट्रिएंट की जो डेफिनेशन रखते हैं इसमें हमें लिखना चाहिए कि इट कीप बॉडी हेल्दी, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, इट सपोर्ट ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ, इट इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट हेल्प्स टू फाइट against disease, it is important for metabolism, and last it is important for build and repair of the tissue. So it is the main function of the nutrient, and as we know that the nutrient is so important, many times this word is in an examination with a definition, defined word, and give meaning of the nutrient also. So we can write it easily how to define nutrient. Nutrient are the component of the food. It is very easy. Which type of the food? So it survive for survive and growth of लाइफ. न्यूट्रिएंट इज कंपाउंड ऑफ, किसका बना हुआ है, तो कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो इतना आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. वंस अगेन वी हैव टू डिफाइन टू वर्ड्स, एंड वर्ड्स इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट विच आर नीडेड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट. जो न्यूट्रिएंट अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जिसका यूज होता है बॉडी के लिए, जिसकी जरूरत होती है, उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट से जाने जाते हैं. लाइक न्यूट्रिएंट विच आर द नीडेड इन ए स्मॉल अमाउंट आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट. फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयोडीन एंड कॉपर.
Then macronutrient. Macro means use, big, large. Nutrients are needed in a large amount are known as macronutrient. Very easy, like sodium, potassium, calcium, phosphorus. Our body required large amount of this nutrient. As we know that we have take sodium in a large amount in a daily activity. नमक का उपयोग हम ज्यादा करते हैं, तो ये सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस, जो हमारी हड्डी पसली के लिए और टीथ के लिए, बोन एंड टीथ के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट से जाने जाते हैं. इन अदर डेफिनेशन इज डाइटेटिक्स. एज वी नो दैट द डाइटेटिक्स मीन्स To prepare food in a scientific principle and with art. So dietetic means it is a science and arts of applying principle of nutrition to the diet. जो nutrition में से हम diet बनाते हैं, recipes बनाते हैं, इसमें जब हम scientific principle का use करते हैं और इसके साथ आर्ट्स का भी, स्किल का भी यूज करते हैं, तो उसको डाइटेटिक्स से जाना जाता है. इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड हेल्थ. ये हम अपनी प्रैक्टिस में ये रखते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट हो टीबी का, तो उसको कैसा डाइट दिया जाता है, हाई प्रोटीन डाइट दिया जाता है. पेशेंट हो जॉन्डिस का, तो उसको फैट फ्री डाइट दिया जाता है. तो वी मस्ट अप्लाइंग प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड एज वेल एज आर्ट्स. वी मस्ट हैव टू सर्व पेशेंट इन अट्रैक्टिव मैनर सो दैट पेशेंट कैन टेक फूड इजीली. आगे इसमें आपको लिखना है, इट इज नॉन एज रिगार्डिंग डाइट एंड डिजीज. ये डाइट और डिजीज, किन किन से रोग में कैसी डाइट दी जाती है, इसका उसमें वो समावेश होता है. इट इज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की इसमें साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी आती है और इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू डिजीज. जैसा डिजीज है वैसा हमें डाइट प्रोवाइड पेशेंट को करना है, तो ये काफी जरूरी है. तो इसको हम डाइटेटिक्स बोलते हैं. तो ये रही हमारी ये फॉर डेफिनेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द पार्ट वन, यूनिट वन, इंट्रोडक्टरी चैप्टर. एंड फर्दर वी हैव लर्न रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी इन ए नेक्स्ट चैप्टर. सो आई थिंक यू, if you have liked this video, please subscribe this channel. And if you have any query regarding the video, please give a comment after this session. Thank you very much.